दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टीजर ट्रेलर लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 2, क्योंकि जो उनकी चॉइस थी कि टीजर के रन टाइम में मेजॉरिटी पार्ट अपने को एक सिंगल एक्शन सीक्वेंस के ऊपर फोकस करेंगे, काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। 120 सेकंड का टीजर है और उसमें से 80 सेकंड अपने को सिंगल फाइट सीक्वेंस दिखाया है। वो जो बॉटल आके लगता है शील्ड के ऊपर, उसका टीजर अपने को कुछ महीनों पहले दिखाया था, यहाँ पे उसी एक्शन सीक्वेंस को एक्सटेंड करके दिखाया। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने सामने छोड़ दिए और कुछ हिंट्स भी दिए कि मूवी के बारे में होगी। जैसे कि फ्रेंचाइज का नाम है एक्सट्रैक्शन, मेन कैरेक्टर का काम है एक्सट्रैक्शन, तो इस पिक्चर के अंदर भी अपने को एक्सट्रैक्शन देखने मिलेगा। क्या बात कही है मैंने, तालियां बजनी चाहिए। बस अपने क्रिस भैया किसी तरीके से थॉर फ्रेंचाइज को भी एक्सट्रैक्ट करे कॉमेडी से तो मजा आए। तुमको अगर याद होगा तो एक्सट्रैक्शन पार्ट 1 के अंदर टाइलर का जो एसेट था, वो टीनेजर लड़का, गुंडों की कैद में था, वहां से उसको निकाला। अब इस टीजर के अंदर हिंट लग रहा है कि पार्ट 2 के अंदर उसको जेल के अंदर घुसना है, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने वाली है, वरना पिक्चर के अंदर मजा कैसे आता। तो वहां से बाहर कैसे निकले, एक तरीका है दंगे करवा दो, इसीलिए तो खुलेआम इतनी मारामारी हो रही है। एक क्वेश्चन जो तुम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि पहली पिक्चर के अंदर वो जो लड़का था जिसको टाइलर ने बचाया था, तो क्या वो भी इस पिक्चर के अंदर देखने मिलेगा? पता नहीं, थोड़े सीन्स के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी उसके अराउंड नहीं घूमने वाली है, ऐसा मेरा अंदाजा है। अब इस पिक्चर को लिखा है जो रूसो ने, तो उन्हीं को एक्चुअल आंसर पता होंगे, लेकिन मुझे देखना है कि इस पार्ट 2 के अंदर वो लोग और कितना इमोशनल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर एक बड़ा मिसिंग एस्पेक्ट था। उसके एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे, स्टोरी ठीक थी, लेकिन वो उस लड़के को अपनी जान जोखिम में डाल के क्यों बचा रहा है, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ। और उसे पिछली पिक्चर के अंदर वो ऑलमोस्ट मर चुका था, तो अब वापस क्यों आया है, क्या चाहिए उसको? टीजर के अंदर इसी बात को लेकर एक डायलॉग भी सुनने मिलता है कि क्या इसी के लिए तुम वापस आए हो जेल में लड़ाई करने? तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये सारे एस्पेक्ट्स में पिक्चर इंप्रूव करेगी, क्योंकि इसके अंदर का एक्शन तो बवाल होने वाला है। पिछली मूवी के डायरेक्टर सैम हारग्रेव फिर से रिटर्न कर रहे हैं, एक बहुत लंबा वाला सिंगल टेक एक्शन अपने को देखने मिला था कार्स के बीच में से, बिल्डिंग्स के बीच में से, उसको रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश होगी, और शायद इस बार वो उस प्रिजन के अंदर हो। एक्साइटमेंट मूवी को लेके काफी ज्यादा है, 16 जून को ये रिलीज होगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई थिएटर में थोड़ा नेटफ्लिक्स, मेरे को पता है नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन फिर भी उम्मीद लगा सकते हैं। इतने बड़े ग्रैंड वाले एक्शन सीक्वेंस प्लान किए यार, लैपटॉप पे देखने में मजा नहीं आएगा। और अब जब हम लोग रिलीज डेट की बात कर ही रहे हैं, तो फिर 16 जून को क्या है, कोई बहुत बड़ा मुहूर्त है क्या? क्योंकि उसी सेम डे वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में फ्लैश रिलीज होगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इंडियन थिएटर्स के अंदर भर के आदि पुरुष रिलीज होगी, जिसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ओटीटी पे एक्सट्रैक्शन आ रही है, क्या करें हम, बड़ी बड़ी मूवीज आना अच्छी बात है यार, पैसा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन एक साथ नहीं। जो मैंने तो फ्लैश मूवी की बात करी, उससे याद आता है कि डीसी की एक और मूवी आने वाली है, ब्लू बीटल, उसका ट्रेलर आ चुका है, जिसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता था, लाइक लिटरली जीरो। और अगर तुमको नहीं पता तो इसका ट्रेलर एक्चुअल में लीक हो गया था, किसी एक ऑफिशियल चैनल ने गलती से अपलोड कर दिया, फिर डिलीट कर दिया, लेकिन इतने में लोगों ने उसको डाउनलोड करके सब जगह फैला दिया है। और ये ट्रेलर देखने के बाद ब्लू बीटल मूवी ने मेरा अटेंशन जरूर ग्रैब किया है, क्योंकि मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होगा वो जोलो फ्रॉम कोबरा का है। अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हुई भाई साहब को पिक्चर में देख के। लेकिन इसी पिक्चर के अंदर काफी सारी फैमिलियर चीजें होने वाली है, जैसे कि एक टीनेजर सुपर हीरो, काफी ज्यादा कॉमेडी होगी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड पावर्स और सर्कमस्टेंसेस, फैमिली का एक बहुत बड़ा इमोशनल एंगल हो सकता है, और ये सारी चीजें हमने बहुत बार पहले भी देख ली है। लेकिन ट्रेलर के अंदर जो म्यूजिक का चॉइस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और एकदम एंड में जो लाइन मारी है कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कि बैटमैन इज अ फैसिस्ट, जिस तरीके से वो बोलता है, हंसी आई मुझे। जैसा मैंने बोला कि ब्लू बीटल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ट्रेलर के अंदर बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि वो क्यूट से दिखने वाली इतनी सी चीज पूरी दुनिया खत्म करने की पावर रखती है। और जैसे उसने लड़के की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चालू किया, पहले मुंह पकड़ता है, फिर हाथ में से काला काला गिरते जा रहा है नीचे, दिखने में ऐसा लग रहा था कि जलकर राख बन रहा है वो, उसके पेरेंट्स की तो फट गई होगी देख के। लेकिन टेक ओवर करने के बाद अपना हीरो जो चीज देख रहे ना, उसका यूआई थोड़ा गेम जैसा फील हुआ कि फोर्टनाइट का पार्ट है शायद। लेकिन उसी ब्लू बीटल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज कि अपने होस्ट को वो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, जिसके लिए बस को आधा काटना ही क्यों ना पड़े, और वो सीन काफी बढ़िया था, इनविंसिबल की याद आ गई। लेकिन एक नॉर्मल से इंसान को पावर्स देने के बाद वो कभी उसकी सुनेगा और कभी नहीं, कभी अपनी मनमर्जी चलाएगा, जो कि अच्छी बात है, उससे काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस बन सकते हैं। इस मूवी के लिए मैं इंटरेस्टेड तो हूं, क्योंकि ट्रेलर देख के लग रहा है कि एक डिसेंट सी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी अपने को देखने मिल सकती है। अब ये ब्लू बीटल डिसेंट से कितना अच्छी बनेगी डिपेंड करेगा कि वो कितने इमोशनल डेप्थ में जाती है, पिक्चर का विलन कैसा है, और अपने हीरो के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस रखे हैं, जिसके कारण मूवी ओवरऑल मजा दिलाएगी, ऐसा आइडिया तो लग रहा है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा डाउट है ना इस पिक्चर को लेके, कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 10-15 साल से हम लोग सुपर हीरोज और उनकी ओरिजिन स्टोरीज देखते आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग क्वालिटीज के अपन ने चेक कर लिए, तो फिर ये पिक्चर इन सब के बीच में
में स्टैंड आउट कैसे करेगी। स्टैंड आउट नहीं कर पाई तो फिर क्राउड के अंदर ब्लेंड हो जाएगी क्या? जो भी होगा देखेंगे, लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो तुमको ध्यान में आना चाहिए कि यार आजकल ट्रेलर्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो हाँ बहुत ज्यादा आ रहे भाई, और अभी खत्म नहीं हुआ है। बारबी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का आना बाकी है, जिसमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड बारबी के लिए है। देखते क्या बनाते, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमको क्या लगा मैं क्या बोलने वाला था? कल भी ट्रेलर्स आए थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, यहाँ चेक कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी ये रही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।